तो देखिए आपको अब क्वेश्चन देखना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 15 सेंटीमीटर। तो देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि लेंथ बराबर 20 मीटर दे रखा है और ब्रेथ बराबर 15। तो लेंथ दे रखी, ब्रेथ दे रखी, तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2l + b। यही मैंने बताया अभी आपको, 2l की जगह पर l का रखिए वैल्यू और b की जगह पे v की वैल्यू, ठीक है। तो 2 × इसको जब ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा और 35 से जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मीटर आ जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से आपको फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू 4 × 10 meters। तो आपकी साइड 10 meters, देखिए 4 × a का फॉर्मूला लग जाएगा आपका, बस आपको लगा देना है, सॉल्व हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मेजर द लेंथ एंड लाइन सेगमेंट ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करने हैं कि जितना भी मेजर है आपको स्केल से इसकी वो लेनी है, आपको इसमें कितनी वैल्यू कितने सेंटीमीटर की है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। स्केल से आपको इसकी लेनी है करके और इसके बाद आपको इस पे वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका बी वाला भी, ए बी की वैल्यू कितनी होगी आपको पुट करनी होगी, स्केल से आप इसमें देख लेंगे लाइन की, ठीक है। बी सी की कितनी होगी आपकी सेम, और इसके बाद सभी को क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी सभी को ऐड कर देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे भी लिखेंगे, सेम आपको इसमें भी करना, ए बी की वैल्यू कितनी, स्केल से आपको लाइन को नाप लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको फाइंड आउट कर देना है इसमें, ठीक है, और इसमें ऐड कर देना। सेम इसमें भी आपको ए बी बी सी सी ए सभी की वैल्यूज इससे देख लेनी है, ठीक है। स्केल से आपकी आ जाएंगी और आप इसमें वैल्यू रख देंगे। इसी में ही सॉल्व करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है, बुक में। क्वेश्चन नंबर 3 ओनली, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको बुक में करना है, कॉपी में करना है, ठीक है। तो आपकी ये एक्सरसाइज 16 जो है रिवाइज एक्सरसाइज, वो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। फेयर नोटबुक में कंप्लीट करिए ये 2 questions एंड ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बुक में ही नोट डाउन करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।